बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे फार्म पे अहमद यार फकीर साहब आए हुए हैं जी। ये जो रोशन कंपनी है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की, उस हवाले से हमसे बात करेंगे। तो आज हम आपसे जो राइस की फसल है उसकी जो पहली एप्लीकेशन है फर्टिलाइज़र की, उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो हमें कितने दिनों पर करनी चाहिए और उसका हमें फ़ायदा क्या होगा जी। तो सर आप हमें बताएं कि जो हाइब्रिड राइस की पहली एप्लीकेशन है, ये कितने दिन के बाद हमें करनी चाहिए, हम जो भी करना चाहते हैं एप्लीकेशन। इसमें सबसे बड़ा जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपने राइस को मुंतकिल किया है, 3 से 4 दिन के बाद राइस अपनी ग्रोथ शुरू करता है, तो आप कोशिश करें कि इसको जो फास्ट एप्लीकेशन है वो आप चॉइस करेंगे। कि हर फार्मर अपनी सोच के मुताबिक होता है। मैं अपनी कंपनी का भी थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट बता दूंगा और आप जो करना चाहें वो भी किसानों की अपनी मर्ज़ी है। जो हम रोशन क्रॉप साइंस के प्लेटफॉर्म से करवा रहे हैं, हम 2 बैग बिल्डर है हमारा प्रोडक्ट जो हम नीचे डलवाते हैं। बिल्डर 2 बैग डलवाने के बाद हम 1 बैग जो है ग्वारा खाद का हम ऊपर से डलवाते हैं। तो उसके बाद कुछ फार्मर्स हैं जो फास्फोरस के बदले में हमें हमसे पूछते हैं, तो हम उन्हें DAP 1/2 बैग रिकमेंड करते हैं, जहां आप 2 बैग बिल्डर यूज़ करते हैं। तो उसमें कुछ फार्मर्स की अपनी राय होती है, वो DAP को कुछ अर्ली ऐड करते हैं, कुछ 1 हफ़्ते के बाद करते हैं। तो जो किसान 1 हफ़्ते के बाद ऐड करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर वो ज़मीन की तैयारी में इब्तदा में डालें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी फास्फोरस। उसके साथ साथ आप 8 दिन के बाद इसको जो भी नाइट्रोजन देना चाहते हैं, जिस शक्ल में देना चाहते हैं, वो आप प्लान कर रहे हैं। आप यूरिया की शक्ल में देना चाहते हैं, यूरिया सोना यूरिया या अदर कोई भी नाइट्रोजन जैसे भी, तो 8 दिन के बाद कुछ हमारे फार्मर, जैसे अभी आपने भी सवाल किया कि हम इसको साथ ही दानेदार देना चाहते हैं 8 दिन के बाद, तो मैं अपने किसानों को, तमाम दोस्तों को ये दूँगा कि कभी भी कोशिश करें आप राइस को जब फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं उसके साथ जो आप दानेदार के कोई भी आप अपनी कंपनी की यूज़ करें, रोशन क्रॉप की करें, अदर ग्रुप की करें, तो कोशिश करें कि 15 दिन के ऊपर आपकी पहली फर्टिलाइज़र दानेदार यूज़ होनी चाहिए। 8 दिन के बाद आप यूरिया, उसके साथ जिंक, ठीक है, ये आप दे सकते हैं अगर आपने नीचे फास्फोरस डाली हुई है। उसमें कोशिश करें कि चिलेटर जिंक का इस्तेमाल करें, वो दी बेस्ट है, वो हर इदारा जो अच्छा है वो दे रहा है। रोशन क्रॉप साइंस उसमें कोरोना सुपर के नाम पे दे रही है, उसमें आपको एक मतवाजन गिज़ा मिलेगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आप थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता दें, 15 दिन के ऊपर आपकी पहली दानेदार होनी चाहिए एप्लीकेशन होने पर। अब एक ज़रूरी चीज़ है, तो जैसे हमारा खेत ऐसे बढ़ रहा है, साथ इस वक्त परवाने की शिद्दत आ रही है, तो आप एक स्प्रे जो है कोई भी अच्छा, जैसे फेप्रोनी ग्रुप है, अदर कोई आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है आपके एरिया में तो हम होंचो करवाते हैं, तो आप इस स्प्रे को लाजमी कर लें। वो जो आप 8 दिन के ऊपर स्प्रे फर्टिलाइजर करना चाहते हैं, उसके साथ दानेदार को ऐड करना चाहते हैं, वो आप 15 दिन पे जाएं, फिर 30 दिन के बाद चले जाएं, और अगर उसके बाद अगर आप शौक से करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ 45 या 50 दिन के बाद फिर आप दानेदार की एक एप्लीकेशन करें। 2 स्प्रे लाजमी करें और उसमें फंजीसाइड को ना मिस करें, ये स्पेशल है, इंसेक्टीसाइड भी कवर करें और उसके साथ साथ फंजीसाइड भी कवर करें, ताकि ये दोनों चीज़ें जब आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर आप अपना प्रोसेस लेके जाएं। जो फर्टिलाइज़र आपने पूरी करनी है, हाइब्रिड हो या 1509, 30 दिन के अंदर अंदर आप कोशिश करें इसको कंप्लीट करें, और 45-50 दिन के बाद आप पोटाश दे के मुकम्मल खेत अपना मुकम्मल करें। तो ये है वो किसान के लिए मैसेज कि जिससे वो इंशाल्लाह किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करेगा उसको फ़ायदा होगा, ताकि वो तरतीब अगर ठीक कर देता है जी। जी तो व्यूअर्स, आपको हमने हाइब्रिड राइस या 1509 या 1692 जो भी आप राइस लगाते हैं उसके बारे में आपको सर ने खाद का प्लान और जो इसका दानेदार का प्लान है वो आपको बता दिया है कि कितने दिन पर हमें यूज़ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।